हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज संजीव। सो आज एक और वर्कआउट वीडियो बनाते हैं, और आज के वर्कआउट अपने आर्म्स के लिए, बाइसेप्स स्पेशली। सो आज का वर्कआउट थोड़ा लेंदी रहेगा। इसमें आपको मैं थोड़े वर्कआउट के सीरीज बताऊंगा, कैसे आपके बाइसेप्स को हिट करोगे आपको डिफरेंट एंगल से। थोड़े बहुत वर्कआउट्स बताऊंगा यार। और गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वर्कआउट फॉलो करें, ये जस्ट सैम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके जो बाइसेप्स, दो मसल्स है, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, कैसे आप उसको हिट करोगे, जिसकी वजह से आपका टोटल डेवलपमेंट होगा आपका बाइसेप्स, और आपको थोड़ा साइज बढ़ाने में और डेफिनेशन बढ़ाने में आपको ज़रूर हेल्प होगी वर्कआउट। सो यू कैन टेक दिस वर्कआउट एज ए सैम्पल एंड यू कैन प्लान, आप उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, आपके कन्वीनियंसी के हिसाब से, आपके इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से। सो यू कैन प्लान योर वर्कआउट, और कैसे आप अपना लॉन्ग हेड को हिट करोगे, शॉर्ट हेड, वी विल सी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स डू द वर्क। वर्कआउट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वार्म अप से। सो ऑलवेज गो फॉर अ प्रॉपर वार्म अप बिफोर योर लिफ्टिंग द वेट। सो आप वर्क हेवी वेट उठाने से पहले अच्छा वार्म अप दीजिए, जिससे कि आपके मसल्स रेडी हो। सो देखिए, इसमें मैंने लाइट वेट लिया है एंड डू सम रोटेशनल कर्ल्स। यू कैन गो रिपीटेशंस एज मेनी एज लाइक 15-20, सो दैट द ब्लड कैन फ्लो इन योर मसल्स और आपके मसल्स वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए। सो इसमें अगर आपको खड़े होकर करने में दिक्कत है, you can do seated also. Lightweight, more repetitions, fine. This is your warm up. So पहले थोड़े body weight warm ups, उसके बाद lightweight repetitions. इससे थोड़ा आपका blood flow हो जाएगा और आपके muscles weight उठाने के लिए ready हो जाएगा। चलो, we'll start the workout. So guys, आज का workout से start करते हैं अपने barbell curls से। So मैंने एक straight rod लिया है, वेट लाइट लिया है आपको बताने के लिए। वेट कितना उठाना है मैं आपको सेपरेट वीडियो करके बताऊंगा, बट राइट नाउ आप सोचिए कि आप एक 8-12 रेप्स करें, उतना वेट ले लीजिए। सो ग्रिपिंग, यानी मैंने यहाँ पे पैरेलल ग्रिप लिया, बिल्कुल स्टिफ रख के नहीं उठाना है गाइस, से आपके शोल्डर्स पे जाएगा थोड़ा। तो आप जब बाइसेप्स करते हो, ध्यान में रखिए आपके बाइसेप्स का एनाटॉमी थोड़ा मालूम कर लीजिए। आपका बाइसेप्स मतलब आपके दो मसल्स होंगे, एक रहेगा लॉन्ग हेड, एक रहेगा शॉर्ट हेड। सो आपका मैक्सिमम जो स्पेस कवर रहेगा वो आपका लॉन्ग हेड रहेगा। सो आप जितना अपने लॉन्ग हेड पे ज़्यादा काम करोगे, यू विल सी द बल्कनेस इन योर मसल, आपका बाइसेप बड़ा आपको दिखेगा। शॉर्ट हेड बहुत छोटा मसल रहेगा, इसको एक दो वर्कआउट दोगे बस, ज़्यादा नहीं। सो हियर बार बार थोड़ा अंदर ग्रिप ले लीजिए, ज्यादा अंदर भी नहीं रहना है, आपके रिस्ट पे नहीं जाना है। इनसाइड योर शोल्डर एंड ओपन आउटसाइड द आर्म्स। दिस विल हेल्प टू हिट योर लॉन्ग हेड। सो आपका ग्रिप जितना अंदर होते जाएगा, उतना आपका लॉन्ग हेड काम करते रहेगा। सो शॉर्ट हेड के लिए यू कैन गो लिटिल वाइडर। आपका रिस्ट ध्यान में रखते हुए, रिस्ट पे प्रेशर जाना नहीं है। सो सेकेंड वर्कआउट, वी आर गोइंग फॉर प्री चेयर कर्ल्स। पास जिम में अवेलेबल है, शायद मैक्सिमम जिमों में अवेलेबल होता है टेबल। सो यू कैन गो लाइक अ प्री चेयर कर्ल्स, आप प्री चेयर ले लीजिए, सेम स्ट्रेट रॉड। इसमें ध्यान रखिए गाइस, इसमें ज़्यादा ओवरलोड करना नहीं है। अब ओवरलोड करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो लाइट वेट लिया है आपको बताने के लिए।
ये वेट जितना लाइट रहेगा आपका मोमेंट उतना परफेक्ट रहेगा, उतना आइसोलेशन देगा। अगर इसमें ओवरलोड कर दोगे यू विल इन्वॉल्व योर स्कैपुला। देखिए आपका स्कैपुला जो भी है, आप जब एसेंट्रिक फेस में जाओगे, जब वेट नीचे छोड़ते रहोगे, जब ओवरलोड की वजह से आपका स्कैपुला यूज में इन्वॉल्व होगा, इससे आपका बाइसेप मूवमेंट कम हो जाएगा, बाइसेप इन्वॉल्वमेंट कम और स्कैपुला भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और खास रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सो बेटा गो फॉर मैनेजेबल वेट, जिससे आप एक प्रॉपर फॉर्म में कर रहे हो ओनली विथ आर्म्स। सो ये वर्कआउट आपको एक परफेक्ट आइसोलेशन देगा, इट विल लाइक आप खड़े होकर करते हो तो थोड़ा बैक इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इसमें अगर आप प्रीचर पे करोगे तो दोस थिंग विल नॉट हैपन, वो सब चीज़ें अवॉइड हो जाएंगे और परफेक्ट ओनली आर्म्स आइसोलेशन। सो इसमें और ज़्यादा आपको स्कैपुला मिनिमाइज करने के लिए आप और एक कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ सिटिंग लेटिंग। कॉर्नर पे ले लीजिए, जिससे कि ऑटोमेटिक आपका डंबल रोटेट हो जाए और आपका इनर बाइसेप्स इन्वॉल्व हो जाए, रोटेट आउटसाइड, जब ऊपर जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं घुमा देना है गाइस, ज्यादातर लोग ऐसा घुमा देते हैं, जैसे ही आप ऐसा घुमा दोगे यू विल लूज द टेंशन ऑन योर बाइसेप्स। सो आपको बाइसेप्स पे टेंशन रखना है, जो भी आप 8-12 रेप्स कर रहे हो, द टोटल 8-12 रेप्स पे आपका बाइसेप्स इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, आपका टेंशन बना रहा है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मसल ब्रेक डाउन। जब ऊपर जाता है थोड़ा हेड को फॉरवर्ड मूवमेंट दीजिए, जिससे कि आपका शोल्डर इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए। सो दिस थिंग ऑल्सो, ये भी आप 8-12 3-4 सेट्स एज पर यूर रिक्वायर, अगर आप एडवांस लेवल पे हो यू कैन गो फॉर 4-5 सेट्स ऑल्सो, नॉट एन इश्यू। अगर आप बिगिनर हो 3 सेट्स मोर देन इनफ। वर्कआउट आपका इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल्स, सो आपको एक इंक्लाइन बेंच ले लीजिए जिसका इंक्लाइन मेरे आइडिया से 60-70 डिग्री हो। सो ये वर्कआउट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर बाइसेप्स गाइस, इसमें आपको चीट करने का चांस नहीं मिलेगा, कंप्लीट आइसोलेशन रहेगा, जिससे कि आपको बैक इन्वॉल्वमेंट, एनी अदर इन्वॉल्वमेंट, शोल्डर भी कम से कम इन्वॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम आपके बाइसेप्स इन्वॉल्व हो गया और वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर बाइसेप्स। सो इसमें आप क्या करेंगे, वी हिट बोथ द मसल्स इनर एंड आउटर। सो इनर के लिए क्या कर रहे हैं, जब आप डंबल ले रहे हो गो फॉरवर्ड, आपके बहुत सारे लोग दे विल डू मिस्टेक्स इन योर गर्दन प्लेस करने में, आपका सर सामने ज्यादा झुका लेते हैं या तो पीछे ज्यादा झुका लेते हैं। सो ट्राई टू कीप न्यूट्रल, जैसा आप खड़े हुए जब आपका सर कैसा होता है वैसा आप लेटे जब, वैसे न्यूट्रल रहिए। कर्ल्स फॉर योर इनर बाइसेप्स, अब इसमें आप लॉन्ग एंड कैसा हिट कर सकते हो, यू कैन गो हैमर्स, जब नीचे आप लेके जाते हो वैसा ठीक स्लो, इसमें बिल्कुल नीचे नहीं छोड़ना है आपका, जब आप पूरा ड्रॉप कर दोगे सो आप टेंशन बाइसेप्स पे जाके योर ट्राइसेप्स विल टेक द नेक्स्ट सी।
टेंशन बना के रखिए आपके बाइसेप्स पे। सो नेक्स्ट वर्कआउट अगेन आपके आउटर बाइसेप्स के लिए गाइस। सो इसमें अपन विल टेक रोप और मशीन का यूज करेंगे। सो इसमें क्या करना है, सेम लाइक हैमर लेकिन स्ट्रेट ना करके हमें इनर करेंगे। इनर हैमर इससे आपका लॉन्ग एंड हिट होगा। यू वेव गुड पंप तो नेक्स्ट वर्कआउट गाइस अपने ब्रैकियो रेडियलिस के लिए इन शॉर्ट फोर आर्म्स के लिए। सो ज्यादातर लोग देखिए आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे काम करते हैं और दे विल इग्नोर द फोर आर्म्स। दैट इज नॉट एट ऑल गुड थिंग। आपके फोर आर्म्स पे काम करना है जिससे कि आपका मसल बैलेंस हो। और फोर आर्म एक स्टबर्न मसल होता है गाइस, उतना जल्दी ग्रो नहीं होता है। सो इट नीड लाइक इंटेंस ट्रेनिंग जो है ग्रो होने के लिए। सो हियर आई एम शोइंग एक छोटा सा वर्कआउट। इसमें मैंने लिया है ज़िगज़ैग कर्ल्स। वेट कम से कम लीजिए और जब भी आप फोर आर्म्स करते हो ध्यान में रखिए आपका जो रिस्ट का मूवमेंट है कंप्लीट स्ट्रेट ना हो। ये आपका अननेचुरल मूवमेंट, जो आपका नेचुरल मूवमेंट है ये एंगल। सो इजी बार यहाँ पे प्रेस करिए, जैसा जैसा मैंने कहा है मेरा ग्रिपिंग नेचुरल मूवमेंट में। लिफ्ट स्टॉप आप में रखिए जिससे कि आपका मसल टेंशन बना रहे एंड यू विल फील द वेट ऑन योर फोरआर्म। कोर टाइट इस वर्कआउट में वेट कम से कम, कॉन्सेंट्रेट ऑन रिपीटेशंस। रिपीटेशन जितना ज्यादा हो सके लाइक 15 16 20 एंड सेट्स 3 to 4 or 5। ओके सो इसमें ज़्यादा वेट कम से कम ही रखिए। यू कैन गो फॉर एम्प्टी बार और एम्प्टी बार ज़्यादा लाइट लगा कैट 2.5 or 5 मैक्सिमम। और जब भी आप कर रहे हो ध्यान में रखिए पूरा मूवमेंट ना हाफ। सो फाइनल वर्कआउट गाइस यू कैन ऐड दिस एज ए फिनिशर ऑफ योर आर्म्स। ये भी आपके फोर आर्म्स के लिए रोटेशनल वर्कआउट। सो इसमें क्या करना है, दो डंबल्स लेना है एंड 90 डिग्री से उठाइए एंड रोटेट। इसमें देखिए मेरा फोर आर्म कंप्लीट मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रोक दे रहा हूँ जैसा मैंने कहा नेचुरल मूवमेंट। रोटेशंस एज मेनी एज यू कैन, जैसे मैंने कहा है फोर आर्म्स आर लाइक स्टबर्न मसल, बहुत जिद्दी मसल पढ़ने के लिए बहुत टाइम लेता है। सो यू कैन गो फॉर 30-40 रिपीटेशंस। सो यू कैन फिनिश द रूटीन विद सच काइंड ऑफ वर्कआउट। सो वर्कआउट्स कितने करना है गाइस, जब भी आप बाइसेप्स कर रहे हो एनी मसल ध्यान में रखिए 4 to 5 वर्कआउट्स आर मोर देन इनफ। सो सपोज यू आर डूइंग ए सुपर सेट्स लाइक चेस्ट एंड बाइसेप्स और लैट्स एंड बाइसेप्स और किसी और मसल के साथ इन्वॉल्व कर रहे हो, यू कैन डू द अदर मसल ग्रुप 5 वर्कआउट्स एंड बाइसेप्स आर द 5 वर्कआउट्स। सो अगर एग्जांपल चेस्ट बाइसेप्स कर रहे हो गो फॉर चेस्ट वर्कआउट्स 5 एंड बाइसेप वर्कआउट्स 5। सो गाइस ये थे थोड़े वर्कआउट्स, सैम्पल वर्कआउट्स यू कैन से सैम्पल वर्कआउट्स आपके बाइसेप रूटीन के लिए। तो जैसे मैंने कहा है आपका बाइसेप्स यानी दो मसल्स, एक तो आपका लॉन्ग हेड एक तो शॉर्ट हेड। सो इसमें मेजॉरिटी आपका वर्कआउट आप लॉन्ग हेड पे टारगेट करिए क्योंकि वो ज़्यादा आपका मेजॉरिटी ऑफ द बाइसेप का प्लेस कवर करता है एंड यू विल सी द ब्रॉडनेस एंड ऑल दोस थिंग्स इन योर बाइसेप विद द लॉन्ग हेड। तो शॉर्ट हेड यू कैन डू लाइक 2-3 वर्कआउट्स, ज़्यादा उसमें जरूरत नहीं, कोई छोटा सा वर्कआउट है वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा पड़ा। सो ऐड करिए वर्कआउट्स अपने रूटीन में। और हाँ गाइस और एक चीज़, आपको अगर आर्म साइज बड़ा दिखना है तो डोंट इग्नोर योर ट्राइसेप्स। सो ट्राइसेप्स इज द पार्ट ऑफ योर आर्म। सो बाइसेप्स इज दो मसल, ट्राइसेप्स कवर्स लाइक इट हैज 3 मसल्स। सो आपका ज़्यादातर हिस्सा आपका ट्राइसेप्स से होगा ना कि बाइसेप्स से, बाइसेप्स छोटा पार्ट रहेगा।
सो अगर आप प्रॉपर बैलेंस करोगे आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, देन ओनली यू विल सी द साइज और डेफिनेशन और वॉट एवर योर लाइक जो भी हो आपका बोलो आप दिखेगा आपके आर्म्स में. सो गाइस इस तरह यू कैन प्लान योर रूटीन, लाइक यू कैन ऐड योर लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और ऑल दोस थिंग्स. सो ऐड करिए वर्कआउट्स आपके रूटीन में, और कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करिए. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत. सो गाइस स्टे नेचुरल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट.